दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये वेबसाइट है पिक्साबे का और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो ग्रीन वाला स्क्रीन है ना, इस पर एक बार आपको टाइप करना है। इस पर जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ वीडियो प्ले करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। हमें प्ले करना है और सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमें इस वीडियो को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है और आप YouTube पर देखते भी होंगे, काफ़ी लोग इसे यूज करते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है पिक्साबे, पिक्साबे का एक एप्लीकेशन भी है और पिक्साबे काफ़ी लंबे समय से ये कॉपीराइट फ्री हमें वीडियो और इमेजेस भी प्रोवाइड करते हैं ये काफ़ी समय से। तो हमें इसमें बिल्कुल डरने वाला बात नहीं है कि इससे कॉपीराइट आएगा, ये कॉपीराइट फ्री है। हमें इसे डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड करेंगे, नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलता है फ्री डाउनलोड। अगर कोई पेड वीडियो होता है ना तो यहाँ पे आपको प्राइस भी बताया जाएगा कि इतना रुपये आपको देना होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड। ठीक है, हमें इस पर क्लिक करना है। दोस्तों इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना रेजुलेशन सिलेक्ट करेंगे कि आप किस टाइप में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1280x720 इसी में डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये छोटा छोटा फ़ोन अगर होगा, कम रैम का भी फ़ोन होगा तो उसमें ये सपोर्ट करेगा और चल जाएगा ये वीडियो। अगर ज़्यादा हाई क्वालिटी में आप डाउनलोड करेंगे तो फिर इसको लेकर के प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो हमें जाना है यहाँ 1280x7। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो डाउनलोड होने लगा। अब दोस्तों देखिए मेरा सब्सक्राइब वाला जो वीडियो है ये डाउनलोड हो गया। चलिए मैं आपको गैलरी में चलता हूँ और वहाँ मैं आपको चला करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये गैलरी में आ गया है और कुछ इस तरह का ये चलेगा। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वीडियो को एडिट करते हैं तो कैसे ये ग्रीन स्क्रीन को हटाएंगे। जब आप वीडियो को एडिट करते हैं तो उस समय ये ग्रीन स्क्रीन को हटाना होता है और तब जाकर के ही ये अच्छी तरह से दिखेगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो एडिट करते हैं उसमें मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ और कैसे यूज करना है वो भी बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए मैं आ गया हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन में और सबसे ज़्यादा लोग अगर वीडियो को एडिट करते हैं तो वो एप्लीकेशन है काइन मास्टर। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि कैसे इसे यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं एक वीडियो ले लिया हूँ और इसके ऊपर जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे वो सब्सक्राइब बटन लगाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे लेयर में। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया का, मीडिया में जाएंगे, जहां पर भी हम उस वीडियो को रखे हैं उस वीडियो को ले लेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारा वीडियो आ गया, अभी ये ग्रीन स्क्रीन में है। अगर ऐसे चलाएंगे तो ये ग्रीन स्क्रीन में चलेगा। ठीक है, तो ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करेंगे, तो एक बार ये ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम आएंगे ऊपर और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है क्रोमा की, इस पे हमें जाना है और ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है इसे हमें इनेबल कर देना है। इसे इनेबल कर देंगे वो ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से उठा करके कहीं भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप काइन मास्टर में इस तरह से यूज कर सकते हैं और कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया काइन मास्टर का, लेकिन अगर आप वीडियो एडिट करते हैं पावर डायरेक्टर से तो चलिए मैं आपको एक बार उसमें भी आपको करके दिखाता हूँ कि उसमें कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं आ गया हूँ पावर डायरेक्टर में और इसमें कैसे करेंगे, इस तरह से मैं वीडियो को ले लिया हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे हमें सब्सक्राइब बटन लगाना है। ठीक है, तो हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, हम वीडियो में जाएंगे और जहाँ पे भी वो वीडियो रखा हुआ है वहाँ से हम उस वीडियो को ले लेंगे। तो पहले तो हम ग्रीन स्क्रीन को हटाते हैं, तो यहाँ देखिए एक पेंसिल का आइकन मिलता है, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की। ठीक है, इसमें हम जाएंगे और इसको एक बार इस पर टाइप करके और इसको इस तरह से घुमा देंगे। यहाँ पे देखिए एक पेंसिल का आइकन है जो कि चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और इसके बाद एक बार इसी पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव हो गया। ठीक है, और मैं आपको अब प्ले करके दिखाता हूँ। जब हमारा सब्सक्राइब बटन हम लगाएंगे तो कुछ इस तरह का लगेगा और ये काफ़ी बेहतरीन भी लगता है, इससे हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा।